नमस्कार दोस्तों, आरकेएस क्रिएटिविटी में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं हूँ रंगसंग रिजॉर्ट में, रंगसंग रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट वहाँ पे अभी मैं हूँ। और आज यहाँ पे एक मतलब फैशन शो है मिस्टर एंड मिस बिलासीपारा, जो कि हमारे बिलासीपारा में सेकंड टाइम है। ये मतलब यहाँ पे अभी चल रहा है, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, तो यहाँ पे अभी शुरू हुआ है और ब्रेक एक है वहाँ पे। मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ ब्लॉग का, तो ब्लॉग को देखते रहिए, बहुत कुछ होने वाला है। और मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स आए हैं, तो सिर्फ ब्लॉग को देखते रहिए एंड तक। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। With the praise. One. Two. Three. तो अभी ट्रेडिशनल राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो देखते रहिए और ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से और दिखाता हूँ आप लोगों को। খুব সহজ উত্তর, উত্তরটো হয়েছেই যে আমি ইয়াত যিসকলে কনটেস্ট করেছে বা যিসকলে কনটেস্ট করি বলে ভাবি আছে বা ইতিমধ্যে যিসকল যিবিলাক এনেকুৱা ধরনের প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে আগে দিছে, তার দুটা কথাই হয়েছে বা সহজ কথা ক'বলৈ এটাই কথা হয়েছে, এয়া হল দিস ইজ দ্য কনটেস্ট অফ দ্য ফিটেস্ট পার্সন। ফিটনেস ইয়াত খুব ডাঙৰ কথা, বহুত ফিজিকেল এণ্ড চাইকলজিকেল মেণ্টেল এণ্ড অল আদাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ, যদি ফিটনেছেই এইবোৰ কনটেষ্টৰ মূল কথা হয়, আমি ফিট কিছুমান মানুহ ইয়াত ফিট হ'বলৈ কিছুমান মানুহক কিছুমান ডেকা ডেকেৰীক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিশোৰ কিশোৰীক উৎসাহ দিয়াত কি আপত্তি আছে, একো আপত্তি নাই। মই মাথা কনটেষ্টেণ্টসকলক বা ইয়াত যিসকল গাৰ্জিয়ান উপস্থিত আছে তেওঁলোকক বা যিসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যে ভৱিষ্যতে যেনে কনটেষ্ট কৰিব, সেইসকলক মই এটা কথাই অনুৰোধ কৰিম, তেওঁলোক যেন যে এটা প্ৰতিযোগিতা ডিক্লেয়াৰ্ড হ'ল, যে প্ৰতিযোগিতা এটা পাতিব বুলি জনা গ'ল, তাৰপিছত ধুমধামকৈ কিবা দুদিনমান প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি অহাতকৈ যদি প্ৰথমৰে পৰা তেওঁলোকে ফিটনেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, তেওঁলোকে বুদ্ধিমত্তা উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, তেন্তে এইবোৰ কনটেষ্ট আমাৰ কাৰণে ৱেলকাম। এনেকুৱা কনটেষ্ট আৰু বহুত হ'ব লাগে। এটা কথা ঠিক যে ফিটনেছ আমি অকল যিটো ভাবোঁ যে জিম কৰি অমুক কৰি তমুক কৰি কৰিব লাগে এইটো কথা নহয়, ফিটনেছ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰি, তাৰপিছত লাহে লাহে আগুৱাই গৈ জিম ইত্যাদি ইত্যাদি কৰি বহুত ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল ফিটনেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। সকলোৱে কিবা নহয় কিবা কৰিব পাৰে, যদি প্ৰথমৰ পৰা কিশোৰ কিশোৰী অৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে ফিটনেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, এইবোৰ প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ উৎসাহৰ উৎস বুলি মই কওঁ। এনেকুৱা এটা ডাঙৰ উৎসাহৰ উৎস ইয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, তাৰ বাবে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বহুত ধন্যবাদ।
तो अभी मैं हूँ राजू भैया के साथ, जिन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में मतलब स्पॉन्सरशिप पार्टनर है भैया। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, मतलब इस प्रोग्राम बिलासीपारा में जो ये प्रोग्राम हो रहा है रांगसंग रिजॉर्ट में, तो आपको इस प्रोग्राम में आके और बिलासीपारा में जो ये हो रहा है आपको कैसा लगा? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर ए.के. बरुआ को और मेरा भाई जैसा माधुर्य को, जिसने इतना अच्छा इवेंट किया पे बिलासीपारा में देखने का हम लोग को मतलब एक मौका मिला कि हम इतना अच्छा इवेंट देख सकें। और आशा करते हैं कि हमें ये रेगुलरली मिलता रहेगा बाई ईयर। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके, और रंग संग भी अभी नया खुला है, हमें यहाँ पर बहुत आने में भी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, हम बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे, प्लेस भी काफ़ी अच्छा है, प्लेस भी अच्छा है। और ये प्रोग्राम बार बार हो वो ही आशा करता हूँ, बहुत अच्छा है। और अभी कल्चरल प्रोग्राम होगा, देखते रहिए। तो बहुत धन्यवाद भैया। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ पार्टिसिपेंट के साथ, मतलब अमून भाई है, उसके बाद रब्बी भाई और यहाँ पे जुबरस भाई भी है। कैसा लगा यहाँ पे मतलब गेटिंग करके? अच्छा लगा। तो कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ पे एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस मिला नए नए लोगों के साथ काम करके। तो यही बोलूँगा, आप लोग भी आइए अगली बार, अगर पार्टिसिपेट करिए ठीक है, और मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट एंड, और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं भी ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ और उसका नाम है मून ब्लॉग एंड टेक। सपोर्ट कीजिए हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। और रेविन भाई भी है। तो कैसा लगा भाई? अच्छा ही लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिसको मॉडलिंग पसंद है ना, तो वो लोग आके ट्राई कीजिए, ऐसा छोटा मोटा शो होता ही रहते हैं, तो आके ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, वही बोलूँगा। बहुत अच्छा स्टेज है हमारे बिलासीपारा का, मतलब करना चाहिए, बहुत अच्छी। भाई का चैनल को सपोर्ट करो, हम लोग तो यही सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। तो देखते रहिए। Today I still remember when I was really free, and all the things I lived, in the midst of the things that I left, I regret for this, it won't be the same, yeah. I never felt this way, cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away, I finally choose, yeah. तो फैशन शो का प्रोग्राम चल रहा है, पीछे आप लोग देख सकते हो वहाँ पे स्टेज है, और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे झूला पे बैठे हुए झूल रहे हैं, यहाँ पे झूलना मेमोरीज बना रहे हैं। और कैसा लगा प्रोग्राम तुम लोगों को? बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगा। और यहाँ पर कंटेस्टेंट बहुत है, अगले साल भी ऐसा ही हो। अच्छा, और रिपू भाई यहाँ पे फ्लैश मतलब रखा है, तो इससे बहुत हेल्प हो रहा है ब्लॉग में। तो देखते रहिए, बहुत रात भी हो गया, घर भी जाना पड़ेगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, आप लोग प्यार दीजिए, प्यार की सख्त जरूरत है, हमें सख्त जरूरत है। You have your Mr. Bilasipa 2021 in front of you guys. Miss Bilasipara 2021 goes to none other than contestant number 10. Yes, it is contestant number 10. Yes. तो अभी हमें मिसेस यूनिवर्स 2018 स्मिता देव मैम के साथ,
तो मैम यहाँ पे बिलासीपुरा में आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और मैम का मैं वहाँ पे मैम ने बहुत कुछ बोला वो भी मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। तो मैम बिलासीपुरा And we have the full family here. And I myself, Madhurji Gurwa, everybody knows me as Bhuku. Thanking you all for your kind presence and giving this show a great, great, great success. Thank you, everybody. This is Mr. and Ms. Bilasivara 2021, presented by Rangsang Dishan Reena. Come discover yourself at Rangsang. Thank you. And with this, I'd like to hand over the microphone to my father, Dr. Akhil Kumar Verma, to say just one or two lines as we're ending up very soon and declare the end of this show. अगर आप पूछे कि फैशन शो या ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं ये करती हूँ और क्यों ना करूँ, क्योंकि ये करने से मुझे जो एक्सपोजर मिली है, मुझे मुझ में जो कॉन्फिडेंस मिला है वो शायद ही कहीं और मुझे मिलता है, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। और यंगस्टर्स को इसमें आना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे कई यंगस्टर्स बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन जब भी कुछ लोगों के सामने उनको खड़े होते हैं तो মুস্তাফিজুর ইসলাম ইয়াতে কিবা কিবি ডকুমেন্টস আছে, যদি তেখেত গুছি গৈছে অহাকালে আমাৰ ৰাংচাঙৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব। দ্য নেম ইজ মুস্তাফিজুর ইসলাম, হি লেফট হিজ ফার্স্ট ইয়াৰ। থ্যাংক ইউ। লাইফ মে অর সারে অপৰচুনিটিজ আপনে গেইন কি পার্টিসিপেট কৰনা চাই। অফকোর্স। থ্যাংক ইউ মেম। আপোনাৰ বহুত সময় আমি দিলে। অর ইয়াতে সারে আৰু মনোজ স্যার, স্যার ভি আপে ধন্যবাদ জনায়ে আজ ইস প্রোগ্রাম মে। তো স্যার আপকো বিলাসীপুরা মে আকে ইস প্রোগ্রাম মে আকে কেসে? বিলাসীপুরা আপে আকে বহুত আচ্ছা লাগা। ইয়াতে পহলে ভি আপে আয়া হুম। আচ্ছা আচ্ছা। মেরা দোস্ত ভি কাফি সারা ইয়াতে হে এন্ড আই এম ফিটনেস এক্সপার্ট এন্ড মে মডেলিং কে সাথ বহুত দিন সে জুড়া হুয়া হুম। আচ্ছা স্যার। এন্ড হাম লোগা মাইরাকেশন বল কে মে মেরা অর স্মিতা কা মেরা হাম দোনো কা এক মাইরাকেশন বল কে এক এজেন্সি ভি হে জাহাঁ সে হাম লোগ শোজ বগেরা করাতে হে। সবসে বড়া বাত ফ্যাশন, ফ্যাশন একচুয়ালি গ্ল্যামার ইন্ডাস্ট্রি কে সাথ অর ফিটনেস ইয়ে দোনো চিজ आप लोग बोल सकते हो कि फिटनेस और ग्लैमराइजेशन के साथ बहुत अच्छा एक मेल है। एंड सबसे बड़ा बात यह है कि जो लोग फिटनेस में इंटरेस्टेड है एंड जो लोग मॉडल में इंटरेस्टेड है मॉडलिंग लाइन पे, तो वो लोग एक्चुअली आपका जैसे लाइफस्टाइल जो है उसका फिट इतने मूवमेंट के तरफ भी आज जाओ कि जो लोग मॉडलिंग करना चाहते तो ऑब्वियसली वो लोग फिट होना चाहेंगे। तो फिट होना एक अच्छा बात है और उसको यहाँ पे आके प्रमोट करना ये बहुत अच्छा बात है। सो मेरे हिसाब से यूथ को आगे आना चाहिए। कई लड़कियों का या लड़का का घर से प्रॉब्लम होता है, कई लड़कियों का घर से प्रॉब्लम होता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री के ब्ला ब्ला ब्ला। सो मेरे हिसाब से आप लोग गार्जियन लोगों का मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा इसको समझे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म दीजिए। यहाँ पे आने के बाद इन लोगों का जो आपका लेवल है बहुत आगे तक जा सकता है। सो इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू। चैनल का नाम है आरकेएस क्रिएटिविटी। आरकेएस क्रिएटिविटी। थैंक यू ब्रदर। एंड मैं चाहूँगा कि जो लोग भी इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा एंड आई लव बिलासीपुरा। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो उस दिन तो फैशन शो एंड होने में देर हो गया था, तब मैं चला गया था यहाँ से। तो आज फिर से आ गए हैं हम। तो अभी मैं हूँ बुकू भैया के साथ, ऑर्गेनाइजर यहाँ का, मेन ऑर्गेनाइजर। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये मिस्टर एंड मिस बिलासीपुरा फैशन शो आप क्यों यहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइज किए और कैसे आपको ये आइडिया आया पहले बार? ये तो सेकंड टाइम इस बार 2019 में लास्ट किया था। अच्छा हाँ 2019 में, सॉरी उस टाइम में फर्स्ट किए थे, उस टाइम से शुरू हुआ। तो क्यों आप ऑर्गेनाइज किए, आइडिया कैसे आया इसका? अच्छा सबसे पहले शुक्रिया क्वेश्चन के लिए। 2019 में जब मैंने किया था तो मेरे ये था एनजीओ था, उसका नाम था नक्षत्र सोशल अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट ग्रुप।
उससे किया था। हम तब क्राइसिस रिस्पॉन्स में बहुत काम कर रहे थे, फ्लड के टाइम पे बहुत हेल्प किया था, जितना कोशिश किया था हम लोगों ने जितना कर सकते हैं। तो 2019 में किया, 2020 के बारे में तो बताइए, कोरोना ने सब कुछ तबाह कर दिया था। तो अभी 2021 में ये मेरा नया रिजॉर्ट है, आरके ने पहले भी वीडियो बनाया भी था ऐसे, तो इसी के बैनर से मैं कर रहा हूँ मिस्टर एंड मिस ब्लेस बट 2021। इसका आइडिया मतलब क्या, पहले से मैं मतलब जब छोटा था तो टीवी वगैरह में देखता था, अभी भी सब लोग देखते हैं, और आजकल के ज़माने में सब कुछ ऐसा मतलब जब पता चलता है कि किसी के पास वो पोटेंशियल है कुछ पाने का, उसका टैलेंट, या उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ये मिस्टर एंड मिस ब्लेस के बाद जो जजमेंट हुआ है, या कोई भी पेजेंट जब ऐसा जजमेंट होता है तो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपन द ब्यूटी और समथिंग, ये होता है पूरा टैलेंट के ऊपर, कैसे खुद को कैरी करता है, खुद के बारे में क्या सोचता है उसको लेकर। तो बिलासीवाला में ऐसा लड़का लड़कियाँ है जिनके पास ये टैलेंट है, मैंने देखा था, तो क्योंकि मैं पलावरा हूँ बिलासीवाला में इसलिए पता है, तो उन लोगों को एक स्कोप देना चाहता था। और डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हर जगह में होता ही है आजकल, धुबरी में भी होता है और नलबारी बरपेटा सब जगह में होता है। तो बिलासीवाला एक बहुत बड़ा सब डिविजन है, आप सबको पता है यहाँ पे दो इलेक्शन का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हाँ, तो क्यों ना यहाँ पे भी किया जाए, और कुछ यूनिक करने का इरादा हमेशा से ही रहता है शायद, इसीलिए मैं रांगसंग को भी क्रिएट कर पाया। नहीं पता आप लोगों को, ज़्यादा पता होगा इसके बारे में, तो इसी तरह से आइडिया है कि क्यों ना बच्चों को या फिर जो भी अभी यूथ है उन लोगों को एक स्कोप दिया जाए, फैशन की तरफ उनको अट्रैक्ट किया जाए। और जब ऐसा फैशन शो जब होता है तो लोगों का माइंड जो है बहुत डेवलप होता है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है बाहर से जजेस जब आते हैं। और इस बार भी जजेस तो वीडियो में देखा ही होगा, दिखाएंगे अभी आरके ने, तो जजेस बाहर से आया था, मिस्टर यूनिवर्स, मिसेस यूनिवर्स। तो यही है, मतलब एक स्कोप देना चाहता हूँ, और खुद का मतलब क्या, ये इसमें मेरा नाम तो नहीं आएगा ना, ऐसा नहीं है कि मिस्टर मिस बिलासीवाला रांगसांग है, इट इज मिस्टर एंड मिस बिलासीवाला है, तो बिलासीवाला का नाम हो रहा है, वही अच्छा लगता है। और आपको ये आइडिया आया और इतना बड़ा एक प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज किए, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम देख के आके, बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे यहाँ पे कल्चरल इवेंट भी हुआ है उस दिन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।